सो हम लोग अभी एग्ज़िट कर चुके हैं और अपने टैक्सी की वेट कर रहे हैं। ड्राइवर साहब ने कहा है वहीं वेट करने के लिए। एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा लग रहा है ऐसे ही पता नहीं कहीं घूमने आए हुए हैं। मतलब इतना सही छोटा सा कॉम्पैक्ट एकदम एयरपोर्ट और इकलौती फ्लाइट हमारी। आई थिंक दिल्ली से टोटल 2 फ्लाइट्स आती है एवरी डे। बेसिकली एयरपोर्ट तो आई थिंक 2 साल से बना हुआ है। आई थिंक चेन्नई और मुंबई की फ़्लाइट्स आती थी, हैदराबाद की आई थिंक आती थी, बट दिल्ली से शिरडी की जो फ़्लाइट्स हैं वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। आई थिंक कुछ 6 महीना बोला है आई थिंक, या 3 महीने पहले से। तो काफ़ी टाइम से मैंने सुना था दैट यहाँ पे एयरपोर्ट है और दिल्ली से फ़्लाइट्स आएंगी, तो आज हम आए। काफ़ी सही एक्सपीरियंस है और सबसे अच्छा ये लग रहा था 2 घंटे पहले दिल्ली में थे और अब यहाँ पे आ गए हैं। आई थिंक डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है, तो इतना बड़ा डिस्टेंस कवर 2 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में अगर कर लिया तो यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अभी हम लोग अपने कैब की बेसिकली वेट कर रहे हैं। कैब आ गई, ये वाइट शर्ट वाले हमारे भैया हैं। सो बेसिकली वे कैरिंग 2 बिग बैग्स, इसमें बेसिकली हमारा जो मेन लगेज है और दूसरा छोटा बैग है, इसमें हम लोगों ने ईटेबल्स और खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी हुई है। आ रहा है, फिट हो रहा है, हो गया, इसको भी हम रख लेते हैं। और एयरपोर्ट ऐसा दिखता है बाहर से, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है। और अब हम एयरपोर्ट एग्जिट कर रहे हैं द्वार। यहाँ से कितना दूर है मंदिर? 15 किलोमीटर, आधा घंटा। Take a look at the roads, guys. All empty, एकदम green. बारिश हुई है ना? कुछ दिन पहले ही बारिश हुई है और well paved roads हैं। और ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ये व्यू आता है। So the road looks spectacular, and this board says "Welcome to Shirdi." सो एयरपोर्ट से इस जगह पहुँचने में 10-15 मिनट ही लगे हैं। सो बेसिकली होटल इज़ अबाउट 20-25 किलोमीटर्स, मतलब जो मेन श्राइन है शिरडी का, जो टेम्पल है, वो एयरपोर्ट से अराउंड 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स है। मंदिर के पास का एरिया है तो साई टेम्पल उस तरफ है, और ये रोड से अगर आप लोग स्ट्रेट चले जाओ तो रेलवे स्टेशन वाला एरिया आ जाता है, नासिक मुंबई वहाँ से बेसिकली। तो यूजुअली जब हम लोग आते हैं यहाँ पे तो हम लोग वहाँ से आते हैं आगे से। आज फर्स्ट टाइम हम लोग अंदर से आए हैं एयरपोर्ट से। इसका रास्ता काफ़ी सही था, 15 मिनट में ही आए आ गए हम लोग तो। और आप लोग उस बोट को देख सकते हो। तो शिरडी का जो मेन जो सिटी है हम लोग एंटर कर गए हैं, और ये जो एरिया है ये काफ़ी फेमिलियर है, मैं जानता हूँ ये सारा एरिया। तो हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है और अब हम लोग शिरडी के सड़कों को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। वैसे ही सारे जो रास्ते हैं ना, मतलब हम मंदिर के पास में ही हैं और ये सारे रास्तों से मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ, काफ़ी बार आए हैं यहाँ पे। इसी लेन में हम लोग पहले भी ठहरे हैं और एक नए होटल को इस बार हमने चूज़ करा है। और अभी मैंने और मम्मी ने चाय पी, मैं दिखा सकता था, फिर मैंने सोचा चल छोड़ यार, चाय क्या दिखाना। अब जा रहे हैं ज़रा आसपास और थोड़ा घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे कुछ मिल रहा है पकौड़े वकौड़े में भी, ये हम लोग खाएंगे। तो ये शिरडी की कुछ सड़कें हैं और
और ये राइट साइड में है बेसिकली मंदिर। और टेंपल जो है वो उस साइड में है। यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं, पाव इन महाराष्ट्र। ये है प्याज के पकोड़े, काफी टेस्टी है। सो ऑल सेट, अब हम रेडी हो गए और अब हम लोग मंदिर जाएंगे। सो बेसिकली मंदिर के अंदर और प्रीमाइसेस में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है। सो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स को होटल में छोड़ देंगे। सो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा और दर्शन के टाइम क्या ही व्लॉग करना, जिसलिए आए हैं यहाँ पे, एटलीस्ट वो अच्छे से वो हो जाना चाहिए। और कैमरा वैमरा व्लॉगिंग यूट्यूबिंग तो यार चलता ही रहेगा। हाँ, मैंने कुर्ता पहना है, आई थिंक अच्छा ही लग रहा है। वैसे गर्मी लग रही है मेरे को ये पहन के, बट पहन लेते हैं। दर्शन के बाद जब मैं अपने मोबाइल को ले लूँगा होटल से, फिर उसके बाद फिर मैं आप सबको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए दैट्स इट, एंड हिट द लाइक बटन। ओके, बाय।